देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज उत्तर प्रदेश बुलेटिन की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पूरे प्रदेश को खुले में शौच मुक्त रखने की योगी सरकार की मुहिम फिलहाल सफल नहीं हो पाई है। अब योगी सरकार ने इसका लक्ष्य हासिल करने के लिए दिसंबर तक समय बढ़ा दिया है, जबकि पहले ये लक्ष्य 2 अक्टूबर तक रखा गया था। फिलहाल योगी सरकार को राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 15 लाख से ज्यादा शौचालय बनाने हैं। प्रदेश के मैनपुरी जिले में छेड़छाड़ और दुष्कर्म का विरोध करना एक छात्रा को भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार जिले के अलाऊ थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ और दुष्कर्म का विरोध करने पर 3 शोहदों ने 11वीं की एक छात्रा की हत्या कर उसका शव पेड़ से लटका दिया। इस घटना के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल जाने वाली छात्राओं में भी भारी भय है और दहशत का माहौल है। वहीं आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हजारों किसान राजधानी दिल्ली में प्रवेश के लिए दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर डेरा जमाए हुए हैं। मंगलवार को पुलिस ने किसानों को दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी स्थित किसान घाट जा रहे थे। कर्ज माफी सहित उनकी कुल 11 मांगे हैं। बीते मंगलवार को पुलिस ने किसानों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदेश के फरुखाबाद जिले में केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के दरोगा ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले दरोगा तारा बाबू ने जिले के हल्लापुर चौराहे के पास स्थित एक टायर की दुकान में खुद को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। यूपी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। हालांकि अभी दरोगा तारा बाबू ने आत्महत्या क्यों की, इन वजहों का पता नहीं चला है। प्रदेश के मऊ जिले में भगत के पुरा में बीते मंगलवार एक किसान के घर पर 16 की संख्या में लोगों ने धावा बोल दिया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चलाए गए। हमलावरों ने फायरिंग भी की। इसमें किसान समेत 2 लोगों को गोली लगी, 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जांच के अनुसार खेत में गायों के धान चरने की फसल को लेकर ये बवाल हुआ। उधर आक्रोशित ग्रामीणों ने हमलावरों के घर जाकर 2 को पीट कर घायल कर दिया। मामले में किसान की ओर से 4 नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। प्रदेश के विशेष कार्यबल एसटीएफ ने राज्य में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों में भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को 250 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा सहित गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहें ग्रामीण न्यूज। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।